You've got me saying words in my head, filling my mind with these images. And it's the way that you look at me makes me feel like I can't breathe. कार पार्किंग के लिए आपको 100 रुपीस पे करना पड़ता है, टू व्हीलर के लिए 50 रुपीस। और जैसे ही आप एंटर करते हैं आपकी बैग चेकिंग होती है, अंदर कुछ भी ईटेबल्स लेकर जाना अलाउड नहीं है। और हाँ, सेल्फी स्टिक भी लेकर जाना अंदर अलाउड नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑनलाइन बुकिंग और वॉकिंग काउंटर्स हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आप लोगों को अपना बुकिंग कंफर्मेशन दिखाना होता है काउंटर पे अपने आईडी प्रूफ के साथ, और फिर आपको बैंड मिलता है। टिकट में भी आप लोग रेगुलर टिकट ले सकते हैं और एक्सप्रेस टिकट। एक्सप्रेस टिकट अराउंड 700 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर टिकट। एक्सप्रेस टिकट का ये फ़ायदा होता है, आप लोगों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता है, आपका नंबर बहुत जल्दी आ जाता है। एक्सप्रेस टिकट में जो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है वो हर राइड में एक बार दिया जाता है। अगर आप लोग रेगुलर टिकट लेते हैं और वीकेंड पे आते हैं तो आपको बड़े राइड्स के लिए अराउंड 1 आवर लग जाता है। आप चाहें तो इमेजिका पासपोर्ट भी ले सकते हैं, इसमें आप 4 टाइम विजिट कर सकते हैं इन 1 ईयर एट ₹2,499। यहाँ पर ICICI का ATM भी है। वाटर पार्क आप लोग केबल कार या बस के थ्रू जा सकते हैं। हम लोग वाटर पार्क केबल कार के थ्रू जा रहे हैं। अगर ज़्यादा रश होता है तो आप लोग बस प्रेफर कर सकते हैं। वाटर पार्क की टिकट आप संभाल के रखना, क्योंकि वाटर पार्क में एंट्री से पहले आपको टिकट स्कैन भी करना पड़ता है। यहाँ से आप लोग स्विम वेयर परचेज भी कर सकते हैं। लॉकर के लिए आपको 400 रुपीस पे करना पड़ता है, जिसमें 200 रुपीस आपका डिपॉजिट होता है। की रिटर्न के टाइम आपको 200 रुपीस वापस मिल जाता है। इसके लॉकिंग सिस्टम में सेंसर का यूज किया हुआ है। इस मैप में सारे राइड्स और उनकी लोकेशन दी गई है।
कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा ही रिव्यू पहला देख के मैं आई हूं। राइड में मिनिमम वेट 45 केजी है और मैक्सिमम वेट 136 केजी। ये राइड बहुत खतरनाक है, पलक झपकते ही लोग गायब हो जाते हैं और आप लोगों को देख भी सकते हैं क्योंकि ये ट्यूब ट्रांसपेरेंट है। वी आर रियली ब्रेथलेस। इस राइड में 39 फीट का वर्टिकल ड्रॉप होता है और उसके बाद 360 डिग्री का आप लूप के थ्रू जाते हैं। अगर आप लोग 360 डिग्री लूप क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो स्लाइड होके आप बीच में आ जाते हैं और वहाँ पे एग्जिट है, गार्ड भी रहता है वहाँ पे और वहाँ से आप निकल जाते हैं। जूस लेते हैं। हम लोग वाटर पार्क से बाहर आ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं डिजिटल आर्ट स्पेस में। यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ होती हैं और आपको पर पर्सन 235 रुपीज़ देना होता है इन एक्टिविटीज़ के लिए।
यहाँ से आपको अपना फेवरेट कैरेक्टर चूज करना होता है, फिर उसमें कलर करना होता है और फिर स्कैन के लिए देना होता है और फिर वो आपको प्रोजेक्टो वॉल पे दिखाया जाता है। यहाँ पे जैसे ही आप कोई भी बटरफ्लाई को टच करते हो तो सारे बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। ये है स्लाइसिंग स्लाइड, यहाँ पे आप जब स्लाइड करते हो तो फ्रूट्स कट होते हैं। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट है लेकिन यहाँ का जो रेस्टोरेंट है अर्मडा उसमें यूनिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है क्योंकि वो शिप पे बनाया गया है और वो लेक को फेस करता है। बहुत मजा आया, बहुत सारे राइड्स थे और आप लोग बुकिंग करते तो ऑनलाइन बुकिंग करिए मैजिका की साइट पे क्योंकि ऑनलाइन आपको ऑफर मिलता है और हम लोग तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग एक्सप्रेस टिकट लें क्योंकि उसके लिए आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता है। एक्सप्रेस टिकट का ये फ़ायदा रहता है कि हर राइड में आपको एक टाइम प्रेफरेंस मिलती है और बहुत ईजीली आप लोग 10 मिनट के अंदर निकल जाते हैं। बट अगर आप रेगुलर टिकट लेते हैं और वीकेंड में आते हैं फिर तो मतलब आपको एक राइड के लिए 1 आवर 2 आवर कितना भी लग सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है और आप लोग इतना थक जाते हैं कि आप सारे राइड भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कोई नहीं।